एक गांव में लड्डू और कद्दू दो मित्र रहते थे। इस बार उन्होंने मेले में टोपी बेचने की योजना बनाई। मेले के दिन लड्डू और कद्दू अपनी टोपियों को बेचने मेले में जा रहे थे। वे दोनों एक जंगल से गुजरे। चलते चलते वे थक चुके थे। अब वे एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गए। तत्काल ही उनकी आंख लग गई और एक एक टोपी से मुंह ढककर सो गए। पेड़ पर कुछ बंदर थे। वे सभी नीचे उतरे तथा टोपियों के बंडल को लेकर पेड़ पर चढ़ गए। उनमें से प्रत्येक बंदर ने एक एक टोपी अपने सिर पर रख ली। लड्डू और कद्दू की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि प्रत्येक बंदर के सिर पर एक एक टोपी लगी हुई है। अब लड्डू और कद्दू ने दिमाग लगाया। वह अपनी टोपी को एक दूसरे को फेंक कर कैच करने लगे। बंदर भी उन्हीं की नकल करने लगे, लेकिन सारी टोपियां नीचे गिर गई। लड्डू और कद्दू ने टोपियों को इकट्ठा किया और मेले की ओर